ये बात है 200 साल पहले की। भारत के बिहार राज्य में एक मंदिर का निर्माण हुआ था। उस मंदिर में भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में एक मटर के दाने के आकार में शालिग्राम शिला स्थापित की गई थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, रोजाना पूजा पाठ हो रही थी, परंतु अचानक एक दिन उस शालिग्राम का आकार खुद ब खुद बढ़ने लगा। ये देखकर सभी घबराए और वैज्ञानिकों को बुलाया। वैज्ञानिक आए और ये नज़ारा देखकर भौचक्के रह गए। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि आज भी इस शालिग्राम का आकार रोजाना बढ़ता ही जा रहा है। आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्या है इसके पीछे का रहस्य, इसे जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। बिहार के एक मंदिर में स्थापित एक शालिग्राम पिंडी है जिसका बढ़ता हुआ आकार रहस्य बना हुआ है। ये पिंडी पश्चिम चंपारण के बगहा पुलिस जिला स्थित पकी बावली मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है। लगभग 200 साल पहले तत्कालीन नेपाल नरेश जंग बहादुर अंग्रेजी सरकार के आदेश पर किसी जागीरदार को गिरफ्तार करने निकले थे। तब उन्होंने बगहा पुलिस जिला में ही अपना कैंप लगाया था। उस वक्त यहाँ के एक हलवाई नेपाल नरेश के ठहरने की सूचना पाकर थाल में मिठाइयाँ लेकर उनके पास पहुँचा। राजा हलवाई के मेहमान नवाजी से काफ़ी खुश हुए और उसे नेपाल आने का न्योता दे दिया। बाद में हलवाई के नेपाल पहुंचने पर उसका भव्य स्वागत हुआ। उसी दौरान वहां के राजपुरोहित ने उसे एक छोटा सा शालिग्राम भेंट किया था। हलवाई शालिग्राम लेकर आया और एक विशाल मंदिर बनाकर उसने उसे स्थापित कर दिया। ये शालिग्राम उस वक्त एक मटर के दाने के आकार में था। आज मटर के दाने से बढ़कर पिंडी का आकार नारियल से 2 गुना बढ़ गया है। आज भी इसका आकार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ के लोग इसे जिंदा शालिग्राम मानते हैं। वैज्ञानिकों ने भी पिंडी का आकार बढ़ने को लेकर स्टडी की, पर आकार बढ़ने के पीछे का रहस्य नहीं सुलझा पाए। मंदिर के किनारों पर एक बावली है। मंदिर की ख्याति के चलते बिरला समूह इस मंदिर का जीर्णोद्वार कर विकास करना चाहता था, लेकिन तब मंदिर बनाने वाले हलवाइयों के परिजन ने बिरला के प्रस्ताव का विरोध कर दिया। बावली के किनारे पर और भी मंदिर है। मंदिर काफ़ी पुराने हो चुके हैं। शालिग्राम के पिंडी के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं और पूजा करके भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंदिर तक पहुँचने का एड्रेस मेंशन है। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप, जल्द मिलता हूँ आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।